हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों न्यू मिलन एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले, हमारे पास में बहुत सारा आज फिश का स्टॉक आया है, उसके बारे में कौन कौन से फिशेस आए हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा स्टॉक आया है, इससे पहले भी माल आया था, अपने को माल सिर्फ कोई का स्टॉक ज़्यादा मिला था। इस टाइम में हमने सभी फिश को कवर किया, जैसे कि एंजल है, ऑस्कर है, कप्पीस है, या ब्लैक मोर है, गोल्डन है, बहुत सारे फिशेस है दोस्तों। तो ये फिशेस हम देखेंगे हमारे पास में कौन कौन से फिशेस आए हैं। और आपको मैं एक दो इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों कि हम है तो आप बहुत सारे फ्रेंड्स से मेरे कमेंट्स करते हैं कि आप कहाँ से बात करते हैं, कहाँ से शॉप है, किधर है। तो दोस्तों मेरा एड्रेस नोट कीजिए, अपना शॉप का नाम है दोस्तों न्यू मिलन एक्वेरियम। ये है आरा टावर स्टेशन रोड परभणी से, महाराष्ट्र के अंदर ही है दोस्तों। तो ये जो फिश की डिलीवरी दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण सिर्फ प्रॉपरली अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ ओनली वन सिटी के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएंगी, या आप शॉप पे आके फिशेस देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से फिशेस है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अवेलेबल है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं कि किस टाइप से हमारे पास फिशेस आते हैं। ये ऐसे बॉक्स आते हैं दोस्तों, इसके अंदर पॉलीथीन होती है, 3 से 4 पॉलीथीन होते हैं, उसके अंदर ये पैकिंग करके एक पॉलीथीन के अंदर, जैसी बड़ी फिश है हमारे पास तो वो 6 फिश आएंगी, अगर उसमें स्मॉल मीडियम साइज़ है 10 से 12 फिशेस आती है, ज़्यादा नहीं आती है जो पॉलीथीन हमारी होती है। और जब स्मॉल गोल्ड होती है दोस्तों तो वो हमारे पास में 50 तक है, तो इस पॉलीथीन के अंदर ये जो चेन्नई कलकत्ता का जो भी स्टॉक होता है उसी के अंदर आती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग फिशेस। यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास में आज है तो टोटली 9 बॉक्स फिशेस आई है। हर बॉक्स में 4 कवर रहेंगे दोस्तों, तो हमारे पास 9 या 36 कवर होने वाले। 36 कवर में क्या कौन कौन सा फिशेस है, पूरी फिशेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसा हम पहला और सबसे फर्स्ट वाला बॉक्स ओपन करके देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से फिशेस है हमारे पास में आ चुकी है। देखिए दोस्तों जब भी हमारे पास बाहर से जो फिशेस आती है, इस टाइप से फिशेस आती है, यहाँ पे ये बॉक्स थोड़ा बड़ा रहने से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 कवर आए हैं। 5 कवर में यहाँ पे फर्स्ट कैरी बैग में ओपन करने देखने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे गोल्डन फिशेस मीडियम साइज़ की आ चुकी है यहाँ पे। अगली कैरी बैग इसकी गोल्ड है दोस्तों, इसका एक कवर निकाल के देखेंगे। ये देख सकते दोस्तों यहाँ पे हमारे पास शुभम किंग गोल्ड फिशेस मल्टी कलर में, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगली फिश देखेंगे यहाँ पर कॉपर गोल्ड, देखिए यहाँ पर हम देख सकते दोस्तों एंजल फिशेस है दोस्तों, ये वाइट कलर के एंजल फिशेस, बहुत ही प्यारे एकदम रॉयल फिशेस है। अगली फिश दोस्तों ये जो सर ब्लैक मोर होते हैं उसी टाइप से, इसकी आंखें जो मोटी। नेक्स्ट फिशेस कॉपर गोल्ड बॉक्स ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अगला हमारा सेकंड नंबर का 2 नंबर का जो बॉक्स है उसको ओपन कर रहा हूँ। इसी टाइप से हमें पूरे टोटल 9 बॉक्स देखने हैं। 9 बॉक्स में कौन कौन से फिशेस है यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। इसी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस बॉक्स के अंदर 5 कवर आ चुके हैं। 5 कवर में 5 अलग अलग टाइप्स के फिशेस है, कौन कौन से फिशेस है यहाँ हम नज़र मारेंगे इसी पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे अगली फिशेस कौन सी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिल्की कोई, देखिए फ्रेंड्स मिल्की कोई कार्प है। और चलिए फिर इसी के साथ थोड़ा थोड़ा प्राइस भी देख लेंगे दोस्तों हम। ये जैसा कि हम देख सकते हैं एक 40 से 70 रुपीज़ तक के फिशेस मिक्स है इसमें। नेक्स्ट फिशेस देखेंगे यहाँ पे हम टाइगर शार्क। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है ये जो फिश है बहुत रफ एंड टफ होती है, हार्ड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ स्पेन होती है, ऑक्सीजन है नहीं भी है तो चल जाएगा दोस्तों। ये भी फिशेस होती है 40 से 70 रुपीज़ के आसपास। अगली फिश देखेंगे इसी के साथ यहाँ पे रोजी बार्ब। दोस्तों रोजी बार्ब बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स है, आप देख सकते हैं इसको, बढ़िया है। 30 से 60 रुपीज़ तक के आसपास में हमारे पास में रोजी बार फिशेस का स्टॉक, बहुत ही अच्छा कलरफुल आया है ये। और अगली फिश यहाँ पे हम देखेंगे सिल्वर शार्क, बाला शार्क नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाला शार्क का थोड़ा सा रेट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 100 से 200 के आसपास में ये फिश ये रेट में आ जाएगी। अगली फिश देखेंगे यहाँ पे हम टाइगर शार्क, टाइगर शार्क के डबल कवर है दोस्तों। टाइगर शार्क थोड़ा सा
एक्टिव रहता है और ज़्यादा उसके नोक रहने से हमारा कैरी बैग थोड़ा सा लूज़ हो चुका है यहाँ पे। ये भी एक 70 रुपीज़ के आसपास में, 40 से 70 के आसपास में रेट होते हैं। दोस्तों छोटा साइज़ है तो रेट कम हो गया, बड़ा साइज़ है तो रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगला बॉक्स, हमारा थर्ड नंबर का तीसरा वाला बॉक्स यहाँ पे अनबॉक्सिंग करना चालू है। देखते हैं इस बॉक्स में कौन कौन से फिशेस है और उनके प्राइस क्या है, वैरायटी कौन सी है, कौन सी फिश कैसी रहेंगी, इसी के साथ यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करके देखेंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम देखेंगे हमारे पास में कौन से फिशेस है। यहाँ पर ये फिश हम देख रहे हैं जैसा कि बलून मोली दिख रहे हैं दोस्तों हमें, व्हाइट कलर में ब्लैक कलर में फिशेस है। और आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, ब्रीडिंग फास्ट होनी चाहिए तो बलून मोली को हम रख सकते हैं जिसकी ब्रीडिंग फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट फिशेस शुभम किंग दोस्तों, बिग साइज के, मीडियम साइज बिग साइज के अंदर मिक्स में शुभम किंग फिशेस है। जैसा कि हम देख सकते हैं 50 से 70 के आसपास में इस फिश का प्राइस रहेगा। यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट फिशेस दोस्तों गोल्ड फिशेस है, आपको सभी को पता है 20 से 30 रुपीज़ के आसपास में गोल्ड फिशेस का यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छे कलर में, एक्टिव कलर में फिशेस का स्टॉक है। नेक्स्ट गोल्ड फिशेस दोस्तों, इस टाइप की जो हमारी फिशेस है कलकत्ता की रहने से फिश का कलर बहुत ही प्यारा और एक्टिव कलर है, आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ हम फोर्थ नंबर का, हमारा चौथे नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे। इस बॉक्स के भी अंदर किस जैसे तीन टाइप के हमने फिशेस तीन बॉक्स के अलग अलग खोल के ओपन करके देखे है। यहाँ इस बॉक्स में कौन से फिशेस है देखेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ पे हम पॉलीथीन में फिशेस देख रहे हैं, ये फिशेस हमें पॉलीथीन में हम देख रहे हैं, लेकिन ये फिशेस पॉलीथीन में ठीक से नज़र नहीं आ रही। इस बॉक्स हमारे अनबॉक्सिंग होने के बाद हम देखेंगे हमारे पास में जो टैंक है, उस टैंक में हम डालने के बाद आपको फिशेस दिखाएंगे कौन कौन से फिशेस है, डिटेल क्लियर नज़र आएंगे तो उसके साथ में भी हम आपको प्राइस बता सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम फिशेस, देखिए दोस्तों बहुत ही बिग साइज़ के एंजल फिशेस यहाँ पे हमें देख रहे हैं, हम अच्छे फिशेस आए हैं, बिग साइज़ के फिशेस है दोस्तों। जैसा कि इसका 100-200 के आसपास में रेट रहेगा। अगली फिश शुभम किंग, जिसको एसके गोल्ड शॉर्टकट भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फिशेस एंजल में स्मॉल साइज़ के डायमंड एंजल दोस्तों, ये डायमंड एंजल होती है, थोड़ा सा प्राइस इसका कम होता है, 50 से 100 होता है, स्मॉल साइज़ की मीडियम साइज़ की डायमंड एंजल है। नेक्स्ट फिशेस टिनफिल दोस्तों, टिनफिल भी बहुत ही एक्टिव फिशेस होती है रेगुलर। अभी ये फिशेस है तो हम रेगुलर कौन से भी फिशेस के साथ में रखेंगे, लेकिन जैसी ये थोड़ी बड़ी हो जाती है तो दूसरे फिशेस के साथ में इसको नहीं रख सकते, कुछ फिशेस के साथ में रखेंगे। दोस्तों अनबॉक्सिंग कंटिन्यू हमारा चालू है, अभी जो हमारा बॉक्स ओपन करने जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि ये कौन कौन से फिशेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास जैसा देख सकते हैं दोस्तों, बिग साइज़ के बहुत ही अच्छे साइज़ के एक्टिव यहाँ पे मौली फिशेस है, जिसके अंदर ऑरेंज कलर है, कार्बन कलर है, ब्लैक कलर है और वाइट कलर है, मेल फीमेल दोनों है, ब्रीडिंग के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगली फिश देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ये गोल्ड फिशेस बहुत ही सबसे ज़्यादा चॉइस वाली सबसे फर्स्ट फिश होती है दोस्तों ये गोल्ड फिश। और नेक्स्ट फिशेस एंजल दोस्तों, यहाँ पे एल्बिनो एंजल, ब्लैक एंजल दोनों भी बहुत ही अच्छे एक्टिव कलर्स में है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी अगली फिशेस देखेंगे, यहाँ पे गोल्डन कलर्स के बेबीज है दोस्तों। ये जो फिश हमारी 3 से 4 दिन तक ओल्ड थी, पैकिंग में थी, कलकत्ता से यहाँ तक आने में टाइम लॉकडाउन के कारण ज़्यादा लग गया, इसके लिए यहाँ पे ये फिशेस यहाँ पे थोड़ी डैमेज भी हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगले हमारे बॉक्स के अंदर कौन कौन से फिशेस हैं यहाँ पे हम चेक करेंगे। देख सकते दोस्तों यहाँ पे बिग साइज़ के गोल्ड फिशेस है, जिसका 50 से 70 के आसपास में रेट रहेगा, प्राइस रहेगा। अगली फिश देखेंगे यहाँ पे हम गोल्ड फिशेस, ये शॉर्ट बॉडी गोल्ड है दोस्तों, 40 से 80 रुपीज़ के आसपास में इसका प्राइस रहेगा। उसके नेक्स्ट फिशेस 30 से 50 के आसपास में रहेगा दोस्तों, मिक्स कलर में गोल्ड फिशेस है। अगली फिश देखेंगे इसी के साथ में मौली फिशेस के स्मॉल साइज़ के बेबीज है दोस्तों। स्मॉल साइज़ की क्वांटिटी इस बैग में ज़्यादा रहने से इस कैरी बैग के अंदर थोड़े से फिशेस ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, इस टाइप से शॉपकीपर्स के भी लॉस होते हैं, इसके हिसाब से मेंटेनेंस इसको कवर करना है दोस्तों। नेक्स्ट फिशेस हम यहाँ पे देखेंगे,
गप्पी फिशेस का स्टॉक है दोस्तों, ये स्मॉल साइज के गप्पी फिशेस है जिसका आपको पता है 10 रुपीज के आसपास में प्राइस रहेगा। नेक्स्ट फिश यहाँ पे हम देखेंगे एल्बिनो रेनबो शार्क दोस्तों, बहुत ही मस्त और बढ़िया एक्टिव फिशेस, रॉयल फिशेस में दोस्तों ये फिश होती है। बॉटम फिशेस है दोस्तों, ज़्यादातर ये बॉटम में तैरती है। और नेक्स्ट अगली फिश देखेंगे यहाँ पे वरंडा गोल्ड दोस्तों, ये फिशेस हमारे अगर बड़े साइज़ के टैंक है तो ये फिश बहुत ही अच्छी रहेंगी। इसमें कुछ रेड कैप फिशेस भी है। और अगली फिश देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये है कोई फिश, कोई कार फिशेस। दोस्तों ये थे फिशेस हमने देखे, ये फिशेस और भी हमें यहाँ पे कैरी बैग में क्लियर नज़र नहीं आने की वजह से हम दोस्तों हो सके तो हमारे एक्वेरियम में डालने के बाद में पूरे टोटली फिशेस डिटेल बताएंगे, हो सकता है उसके प्राइस बताएंगे, कौन सी फिशेस कैसी रहेंगी, कौन सी रहेंगी आपके फिश टैंक के लिए, आने वाले वीडियो में बताएंगे कौन सी फिशेस स्ट्रांग रहेंगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में और मिलते हैं, थैंक्स।